गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है दिया। दिया बनाने के लिए जो हम लोग मिट्टी इस्तेमाल करेंगे, इसे हम केवाल मिट्टी बोलते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग काली मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी बोलते हैं। कुम्हार पंडित बर्तन बनाने के लिए इस मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मूर्तिकार भी इसे मूर्ति बनाने के लिए इस मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। इस मिट्टी से हम लोग एक दिया बनाया है। इसके स्टैंड के जगह पे लोटस बनाया है, उसके ऊपर दीप को अरेंज किया है। तो चलो हम लोग सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करने का जो तरीका है, इस तरह से हाथ में लेकर इसको अच्छी तरह से गूंथना है। इसमें जो भी कंकड़ पत्थर है उसे हमें निकाल देना है। इस तरह से एक प्लेट हम लोग बना लेंगे, साइड बस से इस तरह से मर्ज कर लेंगे, दोनों साइड से बना लेंगे। नहीं तो फिर हम लोग अगर इस तरह से कर ले, इससे बहुत ही अच्छे तरह से आपका राउंड से ले लेगा। अगर जहाँ पे ये मैंने बेस के लिए बनाया है, जो आप बेस देख रहे हैं, इसके लिए फर्स्ट मैंने इसे बेस के लिए रेडी कर लिया। जहाँ पे फटा हो उसे पानी के द्वारा हम लोग इसे स्मूथ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग नहीं करेंगे, बहुत ही हल्का हल्का। नेक्स्ट जो स्टेप है, एक हम लोग सिलेंडर तैयार करेंगे। और इसके ऊपर पानी देकर इसे पेस्ट कर देंगे। ये हम लोग के बेस के लिए हो गया, मिडिल बेस के लिए। अब इसके ऊपर एक पैटर, फ्लावर पैटर बनाने के लिए इस तरह से मिट्टी को लेना है, इसे आपको और इसे प्रेस कर देना है। ये लगभग हम लोग का पैटर तैयार है। अगर बहुत अच्छा शेप नहीं आया है तो इसे हम लोग धीरे धीरे बारीक से कर लेंगे। और एक पैटर इस तरह से पहले 4 पैटर्न को पेस्ट करना है चारों कॉर्नर पे। अब इस तरह से हम लोग 8 पैटर्न कंप्लीट करेंगे। इसे अगर फट रहा है तो इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, इस तरह से मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब देख सकते हैं मैंने 8 पैटर्न जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके ऊपर जो है कि दीप बनाएंगे। दीप बनाने के लिए हमें मिट्टी को सबसे पहले गोल करना है। मिट्टी को इस तरह से हाथ में ले लेंगे और धीरे धीरे इस तरह से बनाते चलेंगे। जब एक शेप ये हम लोग का तैयार हो जाए तो मिडिल पार्ट से, सिर्फ मिडिल पार्ट से ही हम पंच करेंगे। साइड से कुछ नहीं करना है, सिर्फ मिडिल पार्ट से धीरे धीरे शेप लेंगे दीप बनाने के लिए। जो भी फट रहा है तो इसे पानी के द्वारा हल्का हल्का स्मूथ करते चलेंगे।
इधर बैक साइड में देखेंगे से फट गया है, इसे हम लोग स्मूथ कर लेंगे। ऑलमोस्ट हम लोग का ये टिप जो है पूरा शेप ले लिया है। कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद ये पैटर्न जो देख रहे हैं ये छोटा छोटा हम लोग को इस तरह से बनाना है। इस तरह से बनाकर और इस दीप के बैक साइड में यहाँ पे हम लोग को पेस्ट कर देना है। ऐसे पेस्ट नहीं हो पा रहा है, इसको थोड़ा सा पानी देंगे फिर पेस्ट करेंगे। अब इस तरह से चारों तरफ से हम पेस्ट कर लेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं इस तरह से बैक में पेस्ट कर लिया है। अब ये हम लोग का रेडी हो चुका है। बट ये ऊपर पे बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा है, इसे डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने के लिए ये स्पून के बैक साइड वाले पार्ट्स को यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर ये टूल्स है, ये टूल्स जो है कि बेम्बू स्टिक से बनाया गया है, ये आपके पास है तो यूज कर सकते हैं या बना सकते हैं। नहीं है तो स्पून का बैक साइड जो होती है उसे हम लोग यूज कर सकते हैं और इसे धीरे धीरे हम प्रेस करेंगे और डिजाइन इसमें तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हम लोग का लगभग कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर पानी लगाकर थोड़ा सा इसे पेस्ट कर देंगे। देख सकते हैं कि हम लोग का एक कंप्लीट हो चुका है। अब जहाँ पे ये फट गया है उसे थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हम स्मूथ कर लेंगे। सेकेंड से अब इसे हम कलर कैसे करें, तो कलर करने के लिए किसी भी चीज़ को कलर करने से पहले उसे के पहले हम लोग प्राइमर यूज करते हैं। कलर करने से पहले प्राइमर यूज करते हैं, तो प्राइमर यूज के जगह पे हम लोग क्या करना है, सबसे पहले व्हाइट कलर इस्तेमाल करना है प्राइमर के जगह पे। एक्रेलिक कलर है तो प्राइमर के जगह पे हमें व्हाइट कलर पहले फुल कलर कर देना है। उसके बाद लोटस जो है इसके लिए मैंने पिंक कलर इस्तेमाल किया है और दीप के लिए फुल ऑरेंज इस्तेमाल किया है, ऑरेंज इस्तेमाल कर लिए। और सबसे ऊपर वाले पार्ट जो है इसमें ग्रीन यूज किया है। तो इस ब्रश से हम लोग लगभग सभी कलर कर सकते हैं, दो ब्रश से हम लोग काफ़ी है। अगर नहीं तो फिर आप कॉटन से भी कर सकते हैं। उसके बाद डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक पहले प्लस बना लेना है, उसमें एस शेप आ जाना चाहिए। एस शेप, एस अगर आ जाता है तो आपका स्वास्तिक सही हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्वास्तिक बनाएंगे। उसके बाद ब्रश को कलर में लेकर दो कलर का लाइनिंग ऊपर में करना है। लाइनिंग जो करना है हमें शेकिंग करते हुए ब्रश को ऊपर लेकर जाना है, शेकिंग करते हुए। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, यहाँ पर जो हम लोग देख पा रहे हैं ये लाइनिंग, तो इसी डिजाइन के अंदर ये लाइन है। तो इस डिजाइन में हम लोग को थ्री लाइन्स करना है, थ्री लाइन्स ड्रॉ करना है और इसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी लाइट कलर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन है तो ग्रीन पे आप येलो भी यूज कर सकते हैं या फिर लाइट ग्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट आपका ज़्यादा खूबसूरत निकल जाएगा, इसलिए हम लोग व्हाइट करेंगे। तो बहुत ही ईजी स्टेप पर बताने की कोशिश किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।